हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय चैनल मिक्सचर क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों के बीच आज कुछ क्वेश्चन लाए हैं जो क्लास टेंथ का है। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण प्रत्येक बार आता है। आइए आपको क्वेश्चन से मुलाकात कराते हैं। ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, यहाँ पर 7, 8, 9 इस टाइप से दिया हुआ और कहता है बहुलक क्या है। आइए, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ आपको ये आंकड़ा दिया हुआ है, जैसे 7, 8, 9, 7 इस टाइप से कुछ दिया हुआ है, इसका कहता है बहुलक क्या होगा। नंबर 2 में देखिए कहता माध्यक क्या होगा। नंबर 3 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता 2, 3 इस टाइप से आंकड़ा दिया हुआ, इसका कहता है माध्यक क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन 10th क्लास बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और प्रत्येक बार पूछा जाता है। सो आपको क्वेश्चन से मुलाकात करा दिए हैं, आइए बनाते हैं। देखिए बनाने का सरल उपाय क्या है। देखने में तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, बहुत ही आसान तरीका से आपको बताते हैं। देखिए इसमें अंक दिया हुआ है 7, 8, 9, 7, 8, 9, 9, 3, 5, 4 इस टाइप से दिया हुआ है, या इससे अधिक भी दे सकता है या कम भी दे सकता है, उस पर डिपेंड करता है, लेकिन रूल वही फॉलो करेगा जो अभी हम बताएंगे। यहाँ देखिए, अब अंक कौन अंक सबसे अधिक बार रिपीट किया हुआ है इसको देख लेते हैं। देखिए 7, 1, 2 इधर नहीं है, 7 2 बार रिपीट किया, 8, 1, 2, 8 2 बार रिपीट और नहीं है। 9 को देखिएगा, 1, 2, 3, 9 3 बार रिपीट कर रहा है, इधर नहीं है। इधर कहिएगा तो 3 1 बार है, 5 1 बार है, 4 1 बार है, तो आप पता कर सकते हैं कि कौन अंक सबसे अधिक रिपीट हुआ है। तो देखिए ये 9, 1, 2, 3 ये 3 बार रिपीट किया, इसलिए 9 आपका राइट हो जाएगा। 9 इज द राइट आंसर। जो अंक सबसे अधिक रिपीट करेगा वही आपका बहुलक होगा। आप आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये 9 हो जाएगा आपका राइट आंसर। नंबर 2 में देखिए, 2 में कहता है माध्यक क्या होगा। ये ही बहुत आसान है, देखिए गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। माध्यक को रिपीटेशन अंक से मतलब नहीं है, कुछ रिपीट जैसा लगेगा लेकिन रिपीटेशन से इसको कोई लेना देना नहीं है। इसमें जोड़ा अंक देखते हैं और बिन जोड़ा, जोड़ा अंक जाए तो और आसान, बिन जोड़ा आवे तो और आसान। आइए देखते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 क्या मतलब बिन जोड़ा है, जोड़ा का मतलब 8 होता है, ये जोड़ा हो जाता है 6, तो आप लोग जानबे करते हैं ये बिन जोड़ा है, बिन जोड़ा है तो ये बहुत आसान से बनेगा। देखिए 9 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 है तो आधा आधा कर दीजिए और बीच में जो निकलेगा राइट कर दीजिए। देखिए 1, 2, 3, 4 4 इधर से ले लिए, 1, 1, 2, 3, 4 4 इधर से ले लिए, बीच वाला मेरा बच गया क्या है 3। देखिए नंबर ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ए नंबर का ऑप्शन आपका ये आंसर हो गया। क्यों, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 आधा आधा कर दीजिए, बीच में जो बच जाएगा ना वो आपका आंसर हो जाएगा, इसलिए 3 क्या हो गया आपका आंसर। यदि और देख लीजिए, यदि बिना जोड़ा अंक नहीं दिया रहे, यदि बिना जोड़ा अंक नहीं दिया रहे तो कैसे बनाएगा, जैसे नीचे में देख लीजिए, 2, 3, 4, 3, 5, 3, 7, 8, 9, 6 इस टाइप से कुछ आंकड़ा दिया हुआ, हम गिन लेते क्या हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये तो जोड़ा है, यहाँ तो हम देखे थे बिन जोड़ा, तो दोनों इधर आधा कर दिए, आधा इधर कर दिए, बीच वाला निकाल लिए, ये तो बहुत ही आसान था। आप तो यहाँ कहिएगा ये तो जोड़ा में कैसे निकालेंगे, ये और आसान है, देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है ना, तो देख लीजिए 1, 2, 3, 4 4 इधर से छोड़ दिए, 1, 2, 3, 4 4 इधर से छोड़ दिए, बीच में क्या बच गया 5 और 3, दो अंक बच रहा है ना, तो दोनों को जोड़िए, जैसे कि यहाँ देखिए 5 या +3 5 3 कितना होता है 8, क्या को संख्या है, 2 को संख्या है, 2 से भाग दे दीजिए, 2 चौके 8 4 निकल गया ना, देखिए 4 कहाँ है, ये तो 6 है, 4 यहाँ बी में, बी इधर राइट आंसर। देखिए यदि बीन जोड़ा अंक नहीं रहे ना तो दोनों साइड से आधा आधा कर दीजिए, अब बीच में जो बचेगा ना उसको जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे देखिए, जैसे कि इधर से आधा कर दी, इधर से आधा कर दी, बीच में क्या है 5 और 3, ये 2 बच गया है ना, कि दोनों को घेरा लगा करके दोनों को जोड़ देंगे, 5 या 3 कितना होता है 8, और संख्या क्या हुआ 1 और 2 दो अंक है, तो 8 में 2 से भाग दे देंगे, काट कर क्या होगा 4 4 आपका क्या हो गया आंसर। ये बहुत ही आसान है, बिन जोड़ा रहे तो ऐसे डायरेक्ट, जोड़ा रहे तो ऐसे आधा आधा करके। अब आइए देखते हैं नीचे दिया हुआ है माध्य,
क्या दिया है, 2 3 4 6 8 2 5 7 6 7 कुछ इस टाइप से दिया हुआ है और कहा था माध क्या होगा। ये तो बहुत ही आसान है, ये तो आपका जोड़ है, देख लीजिए प्रत्येक बार बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, सबको जोड़िए इसको, रिपीट से मतलब नहीं है, कितना है उससे मतलब नहीं, या तो 10 से अधिक भी दे सकता है, कम भी दे सकता है, कुछ दे सकता है, उस पर डिपेंड करता है। देखिए जोड़िए 2 3 5 5 4 9 9 6 15 15 8 23 23 2 25 25 5 30 30 7 37 37 6 43 43 7 50 सबको जोड़ दीजिए, 50 हुआ ना, जोड़ के कितना हुआ 50, ठीक है। और संख्या क्या हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हुआ ना, 10 से भाग दे दीजिए, देखिए 10 का 10 10 5 50। अब ऑप्शन में देखिए, ये तो 10 है, 7 है, सी में देखिए 5, काट कर कितना आया 5, 5 इज द राइट आंसर, इसका मिस ऑप्शन नंबर कितना सी, सी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, 10ों का आप जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद संख्या क्या होगा 10 को 10 से भाग दे दीजिए, काट कर जो आएगा ना वह आपका ऑप्शन हो गया, आंसर आ जाएगा। सो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, यदि मेरे वीडियो से कुछ आप लोग को सीख मिलता है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए।